नमस्कार, आज हम बनाएंगे बैगन मसाला। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 250 ग्राम बैगन। बैगन को अच्छे से दो बार धो लेंगे। बैगन को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसका डंडी वाला हिस्सा हटा देंगे और इसे हमें 20 से लंबाई में कट कर लेना है। तो सभी को ऐसे ही लंबाई में कट कर लेंगे। इसे प्लेट में रख लेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे और इसे भी हम बारीक कट कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई चढ़ा लेंगे और 2 चम्मच तेल गर्म करने रख लेंगे, साथ ही फ्लेम मीडियम कर देंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे 1 प्याज और अब इसमें डाल देंगे 1 टमाटर बारीक चॉप करके, साथ ही डाल देंगे सूखे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार और इसे हम ढक के पकने देंगे 2 मिनट तक। टमाटर को मैश कर देंगे और अब इसमें जो हमने बैगन कट करके रखा है उसे डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे ढक के पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर ही। चेक कर लेंगे, बीच बीच में इसे हमें पलट लेना है। बैगन को 2-2 मिनट में पलट के पका लेंगे। बैगन रेडी हो गया है। गैस बंद कर लेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बैगन मसाला बनके तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें, साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप इसे मेरे इंस्टाग्राम पेज जायका विद कुलेश पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।